हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं कार्फर सेल। जहां पे लास्ट में रुका था ना, वहीं पे हूँ यार। मेरे पास अभी बचे हैं 14,723। भाई मेरे को हिंदी में नहीं आता है। 14,733 रुपीस मेरे पास बचे हैं। यहां पे आता हूँ। कुछ तो एक कार्निवल जैसी कार दिखी थी, लेकिन ये होंडा की कुछ टेप बोल के है भाई। 2013 का मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है यार, मेरे औकात के बाहर है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आंटी जी कद्दू लेने गए, अब हम लोग जाएंगे दूसरी कार लेने के लिए। कुछ तो ये प्रोजेक्ट ऑफ 504 भाई 2000 की दे रही है यार। इसको मांगते हैं हम लोग 1,500 में। अगर 1,500 को दे देगी ना भाई, अच्छी रहेगी भाई। बहुत कम में बोल रही है, 1,800 में मांग के देखता हूँ। अगर ये दे दी ना 1,800 रुपए में, भाई मेरे को नहीं पता कि पहले मैंने 1,800 से उसको मांगा डील करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से 1,700 डाला, लेकिन बंदी गुस्सा कर ली यार। ये आंटी जी बेच रही है यहाँ पे ऑडी S4 15,000 के ऊपर है, लेकिन मेरे पास 1,400 रुपए थे भाई, कहाँ पे गए मेरे को भी नहीं पता। 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे एक फिएट मिल जाती है मेरे को भाई। ये बंदा 1,500 रुपए में बेच रहा है और उसमें भी बार्गेन नहीं कर रहा है भाई। मैंने बोला कि भाई पूरे जो भी अमाउंट है उसको दे के ले लूंगा। 1,500 समथिंग भी पड़ी वो मेरे को भाई, इसको लेके जाके बेचते हैं। और यार मैं सोच रहा हूँ कि ना, जब अगला एपिसोड जब खेलूंगा तब मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बैंक से लोन ले लूंगा ना, तो बहुत सारा वहाँ पे औकात की कार लेके आके बेच सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी कार लेके जाके बेचोगे ना, उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई अगली वीडियो में वही से ही करेंगे भाई। इतने कम की लेके जाओ और वहाँ पे कद्दू भी कुछ वहाँ पे बनता नहीं भाई। मैक्स टू मैक्स 1,000 को ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइक लोन लूँगा, उसके बाद अच्छी औकात की कार मार्केट में जाएंगे, औकात की कार लेके आएंगे। ये कुछ सस्ती सी SUV कड़ी थी शावरलेट की, मेरे को भी नहीं पता कि कौन सी है। इसको बेच देता हूँ टो करा के रिपेयर सेंटर के लिए। अभी इस वाली कार को लेके जाऊँगा मैं चला के, क्योंकि 10 रुपये वापस से देना पड़ेगा यार मेरे को। 10 रुपये नहीं, $10 देना पड़ेगा मेरे को बस में ट्रैवल करने के लिए। भाई $10 कितना ज़्यादा है ना, यहाँ पे $10 बस के लिए देना पड़ेगा भाई। ये फिएट तो बहुत खतरनाक वाली ड्रिफ्ट मार रही है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट मारती है ना भाई, वो देख के मजा आ जाता है यार। उसी ड्रिफ्ट के चलते हुए मैं यहाँ पे ठोक देता हूँ लेके आके। ऑलरेडी वो डैमेज पड़ी थी, लेकिन अभी और भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी भाई। मेरे पास 5,290 रुपये पड़े भाई। वो 5 रुपये का छोड़ दो, उसके 90 के बाद मेरे को नहीं आता कि क्या बोलना है भाई। यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। अभी इसका जो भी डैमेज हुआ है ना, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट कितना होगा चेक करेंगे। इसको बात करते हैं भाई साहब, फाइन 93 रुपीज़ रेडी करने के लिए। अच्छी बात यह है कि जो हमने SUV ली थी ना, उसमें कद्दू भी कुछ यहाँ पे डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। अच्छी डील मिल गई होगी शायद मेरे को। लेके जाके बेचने की ट्राई करता हूँ कि कितने में जाएगी ये भाई। मेरे को नहीं पता कि ये कूड़ा कौन डालते हैं भाई। यहाँ पे लेके आके डाल देते हैं कूड़ा भाई। मेरा शोरूम है, ये लोग यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए रख लिए है। यहाँ पे आता हूँ, पहले तो मैं स्लो कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मैंने एक बार रेडी करवा के फुल फास्ट आ रहा था और आके ठोक दी थी भाई। वापस से मेरे को रेडी करवाना था। फिएट को डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ ना कुछ डाल देंगे भाई। पबजी के गन्स के नाम डाल देता हूँ BGMI के। M450 नहीं, M416 कार्स बोल के डाल देता हूँ यहाँ पे। इसका अमाउंट रखने वाला हूँ 999 भाई। मेरे को रखना था यहाँ पे 10,000 रुपया। 4 बार 9 डालना था, लेकिन मैं गलती से वहाँ पे 5 बार डाल देता हूँ भाई। 1 रुपया कम, 1 लाख का डाला हूँ भाई। वो सस्ती सी कार को, एक कार का नाम रखा है मैंने AKM। कार का नाम ही नहीं मिला रहे मेरे को, क्या डालू। SUV को भाई डालते ही वापस से आ गई है भाई यहाँ पे कोई तो। भाई ये 8,000 को पूछ रही है, 8,900 को पूछ रही थी, मैंने बेच दिया भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये सस्ती कार लेके आऊँगा तो यही प्रॉब्लम है। इसको मैं 2,100 रुपीज़ में मेरे को ही पड़ी है, और ये मेरे को पूछ रही है 2,116 में। भाई तू जा, मैं तेरे को बेचने ही वाला नहीं हूँ। उसको भाई डोंट सेल दे के जाऊँगा, जाएगी है। और एक आंटी जी आ गई है यहाँ पे। आंटी जी आप जाके मेकअप ले लो, कार नहीं लेना है भाई। रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ यार, ये आंटी इतनी बार आ चुकी है ना मेरे शोरूम को, कभी भी नहीं लेके जाती है यार। मैं मेकअप के लिए बस मजाक किया था, कोई भी इसको गलत स्टेटमेंट मत लेना, क्योंकि इतनी बार आई है वो वाली आंटी कार लेने के लिए भाई। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार नहीं ली है, एक बार भाई। क्या बोलूँ यार इन सबको, ये पूछ रही है मेरे को 2,400। मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा बार्गेन कर लेंगे,
इसको मैं बार्गेन के लिए ट्राई कर रहा था 3,500 रुपये में मान जाएगी, लेकिन ये मानती नहीं है। उसके बाद वापस से सेम भाई भाई, ये लोग सब कुछ सेम सेम कैरेक्टर क्यों है मेरे को भी नहीं पता भाई, वो उससे ज़्यादा पूछ रही थी। मैंने गलती से डोंट सेल की जगह सेल पे दे दिया भाई, वो उससे ज़्यादा पूछ रही थी। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कार मार्केट के लिए, ये आड़ी मिल चुकी है यहाँ पे, लेकिन मैं लेने के औकात में नहीं हूँ। यहाँ पे कुछ लॉर्ड लोकस बोल के है, ये मेरे को पड़ रही है 7,400 रुपये में, 7,500 रुपये समझ लो, वो ठुक ठुका के भाई वो रेडी करवाना है ना, ये मेरे को पड़ रही है 17,800 रुपये में। भाई इसको मैं मांगता हूँ 13,500 रुपये में, अगर ये 13,500 में मान गई ना भाई, मैंने गलती से यहाँ पे एक 1,350 में मांग लिया था, लेकिन नहीं भाई, भाई मेरे को यहाँ पे 13,500 में मांग के देखता हूँ भाई, देती नहीं यार। इसलिए मैं वापस से वो जो भी लॉर्ड लूकस बोल के थे ना उसको आ जाता हूँ। वो कार 7,400 में मांग रही थी भाई, मैं ले लिया भाई, डबल टैप करके उसको 7,500 रुपये में ले लिया भाई। छड्डो यार, ये वाले छोटे सस्ते सस्ते कार लेके मैं शोरूम को कद्दू भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता भाई। अगले वीडियो में मैं सच में बता रहा हूँ ना, एकदम नेक्स्ट लेवल वाले कार्स लेके आऊँगा भाई। यहाँ पे एक फरारी या लैम्बोर्गिनी खड़ी थी भाई, भाई 3.5 लाख या 4 लाख का बोल रहा था, मेरे औकात के बाहर है भाई। मेरे को ये कार बेच के मैं अगर ले लूँ ना भाई, मेरे को चाहिए 10 साल भाई, इसलिए मैं अगली वीडियो में बैंक लोन लूँगा भाई। मेरे को नहीं पता यार, इतनी गंदी ड्रिफ्ट मारता हूँ ना मैं इस वाले गेम के अंदर, GTA 5 के अंदर तो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली मारता हूँ भाई। यहाँ पे देख लो, मैंने आके डायरेक्टली छोड़ दिया भाई, उसको ऑफ भी नहीं किया, कद्दू भी कुछ नहीं किया भाई, आके डायरेक्टली जंप कर दिया और कार आन में ही है और ये रिपेयर कर रहा है। मेरे को नहीं पता कि ये डोर रिपेयर कर रहा है या नीचे इंजन वगैरह के नीचे क्या कर रहा है भाई, वहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट रेडी कर रहा है और यहाँ पे डोर का है मेरा प्रॉब्लम, क्या है यार गेम के मैकेनिक्स। और मैं गलती से उसके नीचे आ जाता हूँ, लेकिन वो मेरे को टेलीपोर्ट कर देता है इधर भाई। वो नीचे एग्जॉस्ट को रिपेयर कर रहा था भाई, और वहाँ पे देखा हूँ तो डोर भी रेडी हो चुका है, क्या ही। मेरे को नहीं पता कि भाई ये चीज़ें कैसे वर्क करती है भाई। सच्ची बता रहा, सिमुलेटर गेम्स जो है ना बहुत कम एमबी के होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक वाले गेम्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनमें एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। वापस से मैं यहाँ पे ठोक देता हूँ भाई। ये कार ना वाइट कलर की है भाई, प्रॉपर वाइट कलर की कार है, ये गंदी होने की वजह से इतनी गंदी दिख रही है। इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पे SCTUL कार बोल के, मेरे को नहीं पता कि क्यों किस लिए यहाँ पे 15,000 को डाल दिया है मैंने, मेरे को नहीं पता कि लेंगे या नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस से नेबरहुड को भाई, ये वो वाली आंटी है यार, मेरे को मैंने बोल के भेजा ना, उसने कहीं और से गाड़ी ले लिया और मेरे को बेच रही है 1,900 को मना करिए, मेरे को वहाँ पे सस्ती कार पूछ रही थी तो आके मेरे को सस्ती कार पूछ के तू इतनी महंगी बेच रही है भाई। ये वो वाली है आंटी है यार, मेरे से बदला ले रही है अभी मेरे को पता है। और यार जितने पैसे मांगी थी ना उतने पैसों से मैं ले लेता हूँ, और यार एक सस्ती सी डील बोल सकते हो उसको, सस्ती भी नहीं यार, पूरा जितना मांगा था उतना ही देता हूँ। और मैं यहाँ पे फास्ट आने की चक्कर में भाई मैंने ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन कद्दू भी कुछ हुआ नहीं, कार वापस से ख़राब हो चुकी है भाई। 6,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, और ये कार चलने का कद्दू भी अब नाम नहीं लेगी क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो गई है। इसको भेजो मैं मैकेनिक के पास भेज देता हूँ। यहाँ पे कुछ तो लाइक स्किल्स वगैरह मेरे को नहीं पता कि क्या करना है इसको। वहाँ पे एक ऑडी खड़ी है, मेरे को नहीं लगता कि वो बेचेगी इतने कम दाम में मेरे पास से 6,000। भाई ये कार मैं लेके आया था 7,500 रुपये में, और ये पूरा 8,000 समझ लो, $800 को लेके आया था, $8,000 को, अभी अच्छा खासा यहाँ पे 9,000 समथिंग में बिक चुकी है। और वो जो फिएट लेके आया था ना मैं, फिएट या कद्दू भी कुछ मेरे को भी नहीं पता, वो कार वो हम पे रिपेयर हो रही थी। और मैं वापस से आ गया नेबरहुड में, यहाँ पे ऑडी S5 मिल रही है, ये बेच रहा है 13,179 को, मैं 11,500 रुपये को पूछता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई ये कम दाम है, मैंने बोला कि भाई कद्दू लेने गया बार्गेनिंग, और मैं वापस से जितने अमाउंट देता है ना वो, क्योंकि मेरे पास अमाउंट वहाँ पे पड़ा है 13,799 पड़ा है, इसलिए मैं ले लिया। अभी मेरे पास बस 620 रुपीस बचे हैं। मैं जब आया था इस वाले गेम को मेरे पास थे 14,700, और मेरे पास अभी बचे हैं 620 डॉलर्स बचे हैं मेरे पास। लेकिन मेरे पास 2 या 3 गाड़ियां हैं, अभी उसको बेच दूंगा ना अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। इसको लेके आके यहाँ पे रोक देता हूँ रिपेयर के लिए, जाके देखता हूँ भाई कितना अमाउंट लगेगा रिपेयर करने के लिए।
भाई $920, मेरे पास बचे हैं $620। कद्दू भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता, और यार रात हो गई थी इसलिए मैं यही कार लेके चला जाता हूँ रूम को सोने के लिए, जो कि रूम कम सस्ता कंटेनर है। ये वाली कार को लेके आके बेच देता हूँ, जो कि नाम डालने वाला हूँ यूजी भाई, UZI भाई, वो गन आती है ना छोटी 9 वाली, भाई वो छोटी 9 mm वाली गन आती है ना, उसका नाम डाला हूँ। मेरे को नहीं पता कि भाई मैं क्या डालूं, क्योंकि ये सस्ते कार है इसलिए मैं कद्दू भी कुछ यहाँ पे नहीं डालने वाला हूँ। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कार्स के नाम 10,909 में डाला था और ये मेरे को पूछ रही है 2,300। तू चल जा भाई, तू चले जा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ना गलती से हुआ भाई यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे डोंट सेल पे क्लिक करने वाला था, जल्दी जल्दी में मैं सेल पे क्लिक कर दिया यार, नुकसान का सौदा किया भाई मैंने, नुकसान का सौदा किया है भाई। मेरे को नहीं पता कि मैं इतना जल्दी क्यों करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट के लिए आता हूँ मैं गलती से नहीं भाई, जानबूझ के मैं पूरा स्मूथनेस रख के मेटालिक कर देता हूँ भाई। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल वाला कलर देने की कोशिश कर रहा था, जो कि था रेड कलर का, और ये मेरे को क्रोम कलर की क्यों दिख रही है मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे को लग रही है या आपको भी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। इसमें न्यू अपडेट भी आया है, मेरे को अपडेट भी करना है वाला गेम, लेकिन 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 मैं कद्दू भी कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टीम से नहीं परचेस किया है यार, इसलिए मैं कद्दू भी कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता। ट्राई करूँगा कि ऑफलाइन से अगर कुछ हो गया ना कर लूँगा। इस कार का नाम रखने वाला हूँ AWM कार, भाई कार के नाम देख लो यार, गन के नाम रखा हूँ, 50,000 पे डाल दिया हूँ भाई। अंकल जी ये आपके लिए बनी है कार, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपकी वाइफ के सामने या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने लेके जाओगे ना, वो आपको किस कर देगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसलिए ले लो। मैं यहाँ पे 35,000 का ऑर्डर दे रहा हूँ, मीन्स ऑफर दे रहा हूँ, ले लो। अगर नहीं लिए ना, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाएगी, अपनी वाइफ हो तो वो भी छोड़ के चले जाएगी, देख लो भाई। बंदा मान ही नहीं ले रहा है भाई, जैसे ही बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाएगी वो खुश हो गया यार। अभी इसको कोई भी गलत मत समझना, बस मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अंकल को मैंने बोला कि भाई तू जा यहाँ से, मैं नहीं बेचूंगा। और यार ये वाली कार को मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि अगले वाले एपिसोड के अंदर बेचेंगे। आई नो यार, इस वाले गेम को जब शुरू किया था मेरे पास थे $14,700, अभी मेरे पास बचे हैं $1,700+ बचे हैं, लेकिन 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 हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल वाली कार खड़ी है, उसको बेच दूंगा तो मेरे पास वो रिकवर हो जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।